शासन में, इस दर्शन में, इस धर्म में श्रम ही की उपासना होती है, श्रम ही की प्रतिष्ठा होती है। इसलिए श्रम हमारा कर्म ही नहीं, हमारा धर्म भी है, अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। श्रमण परंपरा है हमारी, श्रमण परंपरा जो हमें एक ही शिक्षा देती है, बोलो कौन सी? श्रम करो, पुरुषार्थी बनो। क्या है पुरुषार्थ, आइए देखते हैं। इस विश्व में दो प्रकार की सोने की खदानें नहीं हुआ करती। यह शुद्ध सोने की खदान है और यह अशुद्ध सोने की खदान है, और ना ही इस विश्व में दो प्रकार की चावल की फसलें भी हुआ करती है। कि ये छिलके सहित वाली फसल चावल की और ये छिलके रहित वाली फसल चावल की, और ना ही दो प्रकार का पानी का स्रोत हुआ करता है। ये शुद्ध पानी का स्रोत और ये अशुद्ध पानी का स्रोत, ऐसा नहीं होता। शुद्ध पानी का कोई स्रोत नहीं है, रेन इज सेड but not actually the purest source of water, not actually। और जैन शासन में होता तब तो फिर ग्राह्य भक्ष होता ना, वो बरसात का पानी है नहीं, वो भी शुद्ध नहीं है। मतलब कहने का यह है, तात्पर्य समझने का यह है कि जितनी भी खदानें हैं ना सोने की, वे सब अशुद्ध सोने की ही खदानें हुआ करती है। शुद्ध सोना तो बाद में इसी सोने से प्राप्त किया जाता है, श्रम की उपासना से। श्रम पुरुषार्थ और एक विशिष्ट प्रक्रिया। जितने भी बिना चावल, बिना छिलके का चावल है, वो सब पहले फसल के रूप में चावल सहित ही था, बाद में पुरुषार्थ विशिष्ट प्रक्रिया से छिलका रहित करना पड़ता है। और जो पानी तुम्हारे सामने आया है ना, अशुद्ध पानी, उसको फैलाओ मत, फेंको मत उसको। यदि ऐसा करोगे, क्योंकि ये शुद्ध पानी या अशुद्ध पानी ऐसे दो स्रोत नहीं हुआ करते। जितने भी शुद्ध पानी है वे अशुद्ध पानी में से ही पैदा किए जाते हैं, पुरुषार्थ से, एक विशिष्ट प्रक्रिया से। जो पानी हमारे सामने खड़ा है वो गंदा पानी है ये माना, लेकिन उस पानी को फेंक कर समस्या का सुलझाव नहीं होगा, मरोगे, प्यासे मरोगे। और प्यासे न मरने के भय से यदि वैसे ही गटक जाओगे आसक्ति से, तब भी मरोगे, तो तड़प तड़प कर मरोगे। श्रमहीन वालों का यही हाल हुआ करता है। रोग से मरोगे तो क्या करना चाहिए? सिंपल, शुद्ध पानी कोई अलग नहीं हुआ करता। यह जो अशुद्ध पानी दिख रहा है
शुद्धि का फासला तय करने में कुल एक आध घंटा लग सकता है. शास्त्रीय वर्ड पर्पजली डाल रहा हूं बीच में, अंतर्मुहूर्त लग सकता है, ज्यादा नहीं. आवश्यकता है तुम्हारे पास होने की एक कथकफल. कथकफल आज की भाषा में उसको फिटकरी कहते होंगे. मैं एक नेचुरल उदाहरण दे रहा हूं बनारसी दास जी का. इस अशुद्ध पानी और शुद्ध पानी का फासला तय करने को ना ही पानी फेंकना है ना ही वैसा गटकना है. आवश्यकता है आपके पास एक भेदक वस्तु होने की, कथकफल. कथकफल को थोड़ा डालो, यही पानी जो अशुद्ध दिख रहा है यही ग्राह्य है, यही अग्राह्य और यही ग्राह्य. निष्कर्ष पर आइए, प्रकरण चल रहा है. इस विश्व में दो प्रकार के जीव नहीं हुआ करते, नहीं हुआ करते. जैसे शुद्ध सोना पैदा किया जाता है, बिना छिलके का अनाज पैदा किया जाता है, पैदा मतलब प्रकट किया जाता है पुरुषार्थ से, वैसे पैदा नहीं होता. ठीक उसी प्रकार ये अशुद्ध जीव और ये शुद्ध जीव ऐसे दो स्रोत नहीं हुआ करते. जितने भी शुद्ध जीव हुए हैं विशुद्ध जीव में से ही पैदा किए गए. मैं यहां पर भी पैदा शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि मुझे श्रम की प्रतिष्ठा को दर्ज करना है. शुद्धता अर्जित की जा सकती है पुरुषार्थ से, एक विशिष्ट प्रक्रिया से. प्रकरण चल रहा है हमारा, कल दोपहर में भी यही चल रहा था. शंकाकार सामने वह पोह में खड़ा है, तर्क कुतर्क नहीं कर रहा है, समझने के लिए तर्क वितर्क कर रहा है. वो तो ठीक है साहब, वो तो ठीक है, कैसे माने कैसे माने. जीव अनादि से अशुद्ध है, इसको कैसे माने. हम तो आज तक ये समझ रहे थे दो प्रकार के जीव होंगे, अशुद्ध शुद्ध. ऐसा नहीं, ऐसा नहीं. जितने भी जीव होते हैं ओरिजिनली वे अशुद्ध ही हुआ करते हैं, शुद्धता पुरुषार्थ पूर्वक हुआ करती है. एक लाइन बोलेंगे मंगत राय की, बारह भावना की. तू चेतन यह देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि एक पाठ, यत्न से बिछुड़े जो पे अरुपानी. अनादि से कैसे अशुद्ध है यह मत पूछ. सवाल ये नहीं है अनादि से कैसे अशुद्ध हुआ, सवाल ये है तुम्हें ब्राइट फ्यूचर चाहिए कि नहीं, अभी शुद्ध करना है कि नहीं. कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं, शाबाश शाबाश. सरल उदाहरणों से कुछ समझाता हूं. हमारे तुम्हारे मां बाप रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे, क्या बात करते हो सब, वो तो है. ठीक है ठीक है, बुरा नहीं मानना, एक उदाहरण चल रहा है मेरा अपना. उनके बाप दादा हुए होंगे कि नहीं, क्या बात करते हो, ये तो है अभी भी. लेकिन प्रश्न है क्या उनके भी मां बाप हुए होंगे क्या, उनके भी पिता हुए होंगे क्या, उनके भी पिता हुए होंगे क्या. बैक 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 चलते चलो, चलते चलो, देखो देखो देखो, देखते चलो देखते चलो, दूर 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 कोई छोर नहीं दिख रहा है, कोई छोर नहीं दिख रहा है. और उछलो, एड़ी ऊपर करके देखो, सब अभी भी दिख रहा है. और उछल कर देखो ऊपर की मंजिल, और दिख रहा है कितने जनरेशन पीछे 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 पीछे. सवाल यह नहीं है मुझे क्यों पैदा किया और मैं कैसे उत्पन्न हुआ, लेकिन एक बात हो सकती है, ये बात हो सकती है. यह तो श्रृंखला ऐसी चलती आ रही है, चूंकि हम गर्भज है ना, उदाहरण इसका दिया है. ना ही संमोचन का समझना है और ना ही औपपादिक जन्म वालों का समझना है. लेकिन एक बात तो हो सकती, एक बात हो सकती. इस तरफ देखो तुम, इस तरफ का मार्ग बिल्कुल खाली है. अभी तुमने इस तरफ देखा तो खूब भीड़ दिखी, एंडलेस एंडलेस. इसका ऐसा नहीं है कि कोई एंड मिला होगा. आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को, नहीं होता ऐसा, क्योंकि उनके भी पिता रहे होंगे, उनके भी पिता रहे होंगे. लेकिन इस तरफ से यदि देखो आप, और मुझे क्यों पैदा किया गया, ये प्रश्न का उत्तर तो क्या क्या दिया जाए. जहां जब जब अब्रह्म का पाप होगा तो पाप का फल तो होगा ही. लेकिन हां एक बात हो सकती है,
इस परंपरा को कब से आई है और क्यों आई है यह प्रश्न ये नहीं होना चाहिए। यह खत्म हो सकती है कि रुक सकती है क्या, यह प्रश्न होना चाहिए। और वो हो सकता है केवल एक तुम्हारे पुरुषार्थ से। यह आई हुई अनादि की श्रृंखला वर्तमान की एक आदमी ने किया हुआ पुरुषार्थ। मैं उदाहरण घटित कर रहा हूं आदमियों में, सिद्धांत आपको समझना है पर्यायों में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आज का तुम्हारा किया गया पुरुषार्थ, आज का तुम्हारा लिया गया ब्रह्मचर्य, आज की रखी गई सावधानी आगे की परंपरा को खत्म कर देगी। कब से आया है, क्यों आया है, यह प्रश्न मत पूछो, मत पूछो। एक और उदाहरण लीजिए, और एक उदाहरण लीजिए। कल्पना करिए बीज है यहां पर रखा, तल हाथ पर, क्या है बीज? बीज है वट वृक्ष का। उदाहरण सुनने मिलेगा बनारसी दास जी के मुख से, उन्हीं का यह उदाहरण मैं आगे बढ़ा रहा हूं। इस बीज को देखो आंखों से नहीं, ज्ञान से देखना पड़ेगा। अभी वैसे ही बीज तो यहां पर है भी नहीं, लेकिन बीज हाथ में लेने पर भी आंख से नहीं ज्ञान से देखना पड़ेगा कुछ। आप उस बीज में देखो, इसका कोई पहले पेड़ रहा था? था, था। तभी तो ये बना है, बिना पेड़ के ये कहां से बनता? वो जो ये बीज है उस पेड़ का संकेत करता है। और इस बीज समान इसके कई सारे भाई बहन ऐसे ही हुए होंगे, आप समझ रहे होंगे। तो जहां पर ये बीज था वहां पर सैकड़ों हजारों लाखों बीज थे। अभी और कल्पना करिए, और थोड़ा एक स्टेप और पीछे चलिए। जो वटवृक्ष है वो वटवृक्ष का भी कोई बीज रहा होगा, वो बीज भी किसी पेड़ से आया होगा, उस पेड़ का भी कोई बीज होगा। बैक 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 एंडलेस, आई मीन स्टार्टलेस। अब पीछे कितना जाना इसका कोई पैमाना नहीं बैठेगा, कौन पहले था आप सर्च नहीं कर सकोगे। और ये तहकीकात निरर्थक भी है, करना क्या चाहते हो तुम, क्योंकि उसमें किया भी तो कुछ नहीं जा सकता। तुम पैदा तो हो ही गए हो ना, अभी किया तो कुछ नहीं जा सकता ना। हाँ, एक बात हो सकती है, इस तरफ देखने पर पेड़ पेड़ बीज पेड़ बीज पेड़ बीज ऐसी अनंत 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 श्रृंखला दिख रही है। हाथ पर केवल एक बीज है, हम सब अनुमान कर रहे हैं, अनुमान। और आप सबके गले उतर रही है, उतर रही है ना, किसी ने नहीं देखे। दो दो तीन पीढ़ी के पहले के पेड़ किसी ने भी नहीं देखे, दो तीन पीढ़ी के पहले के माँ बाप किसी ने नहीं देखे, लेकिन फिर भी गले उतर आया। इसी को कहते हैं अनुमान, भी एक प्रमाण है, सम्यक ज्ञान है, उसके माध्यम से भी वस्तु का ज्ञान होता है। आगे बढ़ते आगे बढ़ते, यह मत पूछो ये कब से आया है और क्यों आया है। आया है, बस चल रहा है, अनरीजनेबल, कोई रीजन नहीं। हाँ, एक बात हो सकती, बात को कौन पूरी करेगा, बड़ी खुशी होगी इसी पहल पर। बोलो, शाबाश, राइट, शाबाश, यह ठीक है छात्र। हालांकि हाथ और भी ऊपर थे, लेकिन मुझे इनसे सुनना था बेटा, नाइस। और आठवीं वाला बच्चा जब उत्तर दे सकता है तो सब पर एक प्रश्न चिन्ह सहज ही खड़ा होता है। हम भी दे सकते थे, विचार कर सकते थे, कीन अटेंशन की आवश्यकता। यह खत्म हो सकता है। अकलन स्वामी का उदाहरण, दग्ध बीज वत, जब बीज पक जाए अच्छे से, पक जाए मतलब उसको गर्म किया जाए, भुना जाए, दग्ध किया जाए, उसके बाद उसमें कोई भी प्रक्रिया काम नहीं करती, उसको बोया जाए कुछ भी हो जाए, परंपरा खंडित हो सकती है, खंडित हो सकती है। अनादि से जीव कर्मबद्ध है, प्रयास करेंगे पुरुषार्थ करेंगे तो शुद्ध हो सकता है। प्रकरण चल रही है, रोग का निदान चल रहा था, यहां पर भी कर्म बंधन को रोग बताया जा रहा है, उसका निदान चल रहा है, डायग्नोसिस चल रहा है। और डायग्नोसिस में एक बात जरूरी है, और कल मैं बोल रहा था, बोलिएगा कोई, बोलिएगा कोई, हमारे बच्चे होते तो बोलते हैं, बोलिए, कारण मीमांसा जरूरी है निदान में। तो जब कारण मीमांसा करेंगे तो दो प्रकार का कर्म बंध बोलना पड़ेगा, अनादि और सादि, अनादि और नया,
तो अनादि की मीमांसा चल रही है, कहते हैं अनादि में कोई कारण नहीं होता, कारण होता तो अनादि नहीं रहता। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा अभी भी उतना खिल नहीं रहा है, खुल नहीं रहा है, क्या बात है? नहीं साहब, बात तो वही है, समझ में नहीं आ रही है, अनादि से बंद कैसे हो सकता? बिना अपराध किए किसी को हथकड़ी लग सकती है, बिना अपराध किए कोई जेल में जा सकता है, ये तो किसको गले उतरेगा साहब? अब कैसी बात कर रहे हैं, जी ने कुछ किया नहीं और जबरन बंद हो गया। शाबाश, अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। इस बात से तो हम भी सहमत हैं, इस बात से तो हम भी सहमत है कि जेल में गया है तो कोई ना कोई अपराध जरूर किया होगा। लेकिन जेल में जाने की बात कर रहा है तो हमने जाने की बात की कब है? जाता तब तो यही होता कि अपराध करता। हम तो ये कह रहे हैं कि बिना जाए भी जेल में ऑलरेडी है, ऐसा हो सकता है? दृष्टि एक जगह आकर टिकनी चाहिए, बोलो कहां पर? सब ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है प्रकृति में? तो बिना अपराध के जबरन, वो तो आज के आज में होता होगा ऐसा, अन्याय नीति की अराजकता में। नहीं नहीं, तुम सोच नहीं रहे हो बराबर, और सोचो कि बिना अपराध किए जेल में जा सकता है, ये तो हम भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन बिना अपराध किए जेल में बना रहे, ये तो बोल ही रहे हैं हम अभी भी। और इससे तुम्हारा वो समाधान मिल जाएगा, कौन सा? बिना कुछ किए जीव अनादि से कर्मबद्ध कैसे है साहब? उत्तर दृष्टि आकर कहां टिकी होगी, कहां टिकी होगी, कहां टिकनी चाहिए? हमारे लाल श्री कृष्ण जेल में ही तो पैदा हुए हैं, उन्होंने कौन सा अपराध किया? प्रश्न एक, हाँ सर, ये तो हमने सोचा नहीं, और कोई आधार? एक आधार काफी है, क्योंकि नियम टूट गया है तुम्हारा। हो सकता है ऐसा, हो सकता है, यस सो रहे हो, हमने कुछ खाया नहीं, बाजार का कभी अशुद्ध चीज खाई नहीं, हमको कैसे हुआ टीबी कैंसर? ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे सामने प्रश्न अभी भी वही खड़ा है। आप तो श्रृंखला तोड़ने की बात करते हो, वो तो ठीक है, लेकिन अनादि से कर्मबद्ध है, वो बिना कारण है, बेवजह है, ऐसा कैसे हो सकता है? भला कोई बाजार की कोई वस्तु नहीं खाता, अशुद्ध खान पान करता नहीं, कैंसर टीबी कैसे हो सकता? वो जो आदमी है ना, जो कल हमारे क्लिनिक में आया था, वो यही तो कह रहा था। दरअसल समस्या उस बीमारी उसकी नहीं है, बीमारी अनुवंशिक है, कुछ बिना किए भी काम हो सकता है। और सुनो, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सोचने के लिए फुर्सत नहीं है ना, उसका पार पाओगे तुम, और पार भी पाओगे तो गला किसका पकड़ोगे तुम? क्योंकि तुम जिनका पकड़ने जाओगे वे भी तो यही तो कहेंगे, हमको भी तो ये वसीयत के रूप में वैसे ही मिल गई थी, हमने कौन सा दावा किया था इसके? वे किसका पकड़े और कहां जाओगे पकड़ने के लिए? अनादि से कर्मबंध क्यों है, इस प्रश्न को हटाओ। पंडित जी साहब कहते हैं ये अकारण है, ये स्वभाव है, पैड़ी है, शील है, स्वभाव है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? तुम ये क्यों नहीं पूछते समापन कैसे होगा, अंत कैसे होगा? ये क्यों है, अनादि से जीव ऐसा ही चलता रहे, कर्मबंधन से युक्त है। हाँ, अनादि से ऐसे ही चक्री करता रहा है, ऐसा नहीं था कि जीव अलग था और कर्म अलग थे, जीव ने पहले राग द्वेष किया और बाद में कर्म बंधा, ऐसा नहीं। और कुछ प्रमाण से बात को पुष्ट किया जा रहा, फिर मैं यहां से कुछ पढ़ूंगा, मैं यही की पूरी स्क्रिप्ट बता रहा हूं, कुछ प्रमाण से बात को आगे बढ़ाते हैं। जब भी कोर्ट में कोई बात कहनी है तो ऐसा नहीं होता, क्या साहब जज साहब में तो आपके पड़ोस में रहते हो, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं? दस्तावेज मांगता है कानून कुछ, तो पहला पेश करो, जीव अनादि से कर्मबद्ध है, पहला आगम प्रमाण से पेश करो इस बात को। आगम ने भी ऐसा लिखा है, कहां लिखा है? बोलेंगे आप बताइए, बोलिए। एनी वन, क्वेश्चन खुला है, बोलिए। जीव अनादि से बंधा है, ये कहां लिखा है? आगम का कोई वचन? अनादि संबंधी ऐसा तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का सूत्र है, होना चाहिए 40 के करीबन, देखना चाहिए उसको, 40-42 हो सकता है, मैं देखना पड़ेगा, एक दूसरा रखना पड़ेगा। अनादि संबंधी प्रकरण चल रहा है,
कर्म बंधन का ही वहां पर, वैसे पांच प्रकार के शरीर का चल रहा था वहां पर। तो कह रहे कर्मन शरीर अनादि ही से बनता है। आगम आधार एक, आगम आधार दो, एक सूत्र चल रहा है संसारण मुक्ताश्च। क्या कहा मैंने? प्रकृति बिना पुरुषार्थ वालों के, लाचार वालों को कुछ भी बहाल नहीं करती। आपको यहां पर स्वयं अर्जित करना पड़ेगा हर एक चीज, और तभी तो वो फल, बोलो, तभी तो वो फल मीठा लगेगा। इसलिए तो एक साहित्यकार ने कहा है, इनाम में दिया हुआ स्वर्ग भी नहीं चाहिए हमको, किसी की दुआ से मिले हुए स्वर्ग से मोक्ष से बेहतर है हम तो नरक में ही चले जाए। कृपा नहीं, कृपा नहीं, कृपा नहीं, एहसान नहीं, एहसान नहीं। कोई आकर हमको झटके से शुद्ध कर दे रहे, अरे इतना लाचार क्यों बनते हो? क्योंकि तुम शुद्ध बनोगे, तुम जीवन भर उसकी गुलामी तो करनी पड़ेगी तुमको, जिसके माध्यम से तुम शुद्ध हुए हो। हालांकि ऐसा होता भी कुछ भी नहीं, वहां पर भी उन्हीं का माल जाप करना पड़ेगा। आगम आधार दो, सूत्र चल रहा था संसारण मुक्ताश्च। अनेक अनेक प्रमाण से पंडित जी साहब सिद्ध कर रहे इस बात को। पहला आगम प्रमाण सिद्ध किया जा रहा है, दस्तावेज दिए जा रहे हैं, हमारे पहले ऐसे ही केसेस चली है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको, आज से 50 साल पहले ऐसा केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओके कर दिया था, ये डॉक्यूमेंट्स है हमारे। आज ऐसा ही तो बोला जाता है। आज जो जैन एक अलग अपना कुछ एक स्वतंत्र धर्म है, ये सिद्ध किसी की एक ब्रांच नहीं है, ये बताने के लिए हम यही तो बोलते हैं। देखिए आप उनको पढ़िए, राजेंद्र प्रसाद जी के उस बुक को पढ़िए, उस बुक को, प्राचीनता ही तो दिखाते हैं। एक सूत्र चल रहा है, कौन सा सूत्र बोल रहा हूं मैं अभी? शाबाश शाबाश, आपको तो गले उतरना जरूरी है इन बातों को। ऐसा नहीं चलेगा आप अगल बगल में जिनके जो पीछे बैठे हैं वो समझे ना समझे, लेकिन आपको तो समझना ही पड़ेगा। सूत्र चल रहा है संसारण मुक्ताश्च, इतना ही भर था व्याकरण से उसका। जीव दो प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त, और भी सामान्य अर्थ किसी को भी पूछ लेना वो तो यही करता। लेकिन आचार्य देव को और इसके साथ एक बात कहनी है, दो प्रकार के जीव है संसारी और मुक्त, बात इतनी सी ही नहीं है। हम साथ साथ ऐसे भी तो कह सकते थे, मुक्त शब्द पहले डाल के संसारी बाद में भी डाल सकते थे और व्याकरण को यही सम्मत था। ऐसा होने पर भी बताना यह चाहते थे, गरीबी में पैदा होने की यहां पर परंपरा है, अमीरी अर्जित करनी पड़ती है। बताना यह था हमको कि संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है। जितने भी मुक्त हुए हैं वो अनादि से मुक्त नहीं है, अनादि से हेडक्वार्टर सबने शुरुआत वहीं से की है जहां पर तुम खड़े हो। तुम तो और आगे बढ़ चुके हो, आगे बढ़ चुके हो। तुम समझ रहे मेरी भाषा को? क्या कहा मैंने? सबने पुरुषार्थ चालू किया है, जहां से चालू किया है वहां से नहीं, तुम और आगे खड़े हो। हर प्रकार से बेबस थे वे, नित्य निगोद माही थे कड़कर, दुर्लभ नर पर्याय पास खुदानी, केवल पाए अंतर मुहूर्त में वरी शिवरानी। यही किनकी बात चल रही है? ये नित्य निगोद से भरत के पुत्रों की। बराबर बराबर, तुम्हारे पास तो बहुत है, बहुत है, आज बहुत है, आगे बढ़े हो, तुम्हारे पास ये शासन मिला है। उस ग्वाले के पास कुछ भी नहीं था, उसने काम चालू कर दिया था। समझ में आता है? साधना साधनों की मोहताज नहीं हुआ करती। साधन आएंगे तो साधना चालू करेंगे, ऐसा नहीं। और खरेखर साधन नाम की कोई चीज ही नहीं है, निज स्वभाव साधन द्वारा आगे बढ़ते आगे बढ़ते। आधार दूसरा पेश किया। कल तीसरी बात मैं कह रहा था गोमट सार की, दूसरी क्या था? पयड़ी सील सहाव जीवंगणम अनय संबंधो। काफी आगम आधार हुए, आगम प्रमाण को विराम देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगम का सेवन, साहब की भाषा बोल रहा हूं मैं, बस उसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं। युक्ति से अभी सिद्ध करते हैं, युक्ति भी एक प्रबल प्रमाण माना गया है हमारे यहां, क्योंकि यदि आगम ही प्रमाण होता, आगम ही यदि प्रमाण होता हमारा रोल कितना रह जाता, फिर संगी होने की क्या बात थी उसमें, सोच विचार की परीक्षण का अवसर क्या रहता हमारे पास। युक्ति हमारी पूंजी, ऐसा ही है कि नहीं? परीक्षण की हमारी ताकत। युक्ति से कैसे सिद्ध होता है? क्योंकि युक्ति से यदि हम ऐसा माने कि द्रव्य कर्म अनादिकल नहीं था, उसकी शादी हुई, शादी मतलब स्टार्ट हो गए, कोई पॉइंट लोकेट करे,
और कारणता के रूप में हम सिद्ध करें, क्या कारणता सिद्ध करेंगे? द्रव्य कर्म की वजह से, और तो कुछ नहीं बोले, बोलो शाबाश। भाव कर्म पहले किया होगा, बाद में द्रव्य कर्म हुआ होगा, तो युक्ति से भी बात सिद्ध नहीं होती है। कहते हैं आगम से तो सिद्ध ही नहीं होती, आगम तो यह कह रहा है कि अनादि से ही कर्मबद्ध है। बद्ध समझ रहे आप? बद्ध मतलब बंधन में, बंधन में। युक्ति से भी बात इसलिए नहीं सिद्ध होती क्योंकि राग द्वेष पहले और द्रव्य कर्म का बंध बाद में, ऐसे कहने में दो आपत्तियां खड़ी दिखती है। एक आपत्ति तो यह है, राग द्वेष यदि अकारण माना जाए तो उसको स्वभाव की आपत्ति आएगी, और राग द्वेष से रहित होने की का प्रसंग कभी भी नहीं बनेगा। झुलसता रहना ही हमारी फितरत भी हो जाएगी, कुदरत भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, फिर हम पुरुषार्थियों का क्या होता? समझ में आया? ये शासन तो ऐसा है, हम ही हमारे जीवन के शिल्पकार हैं, हम ही आर्किटेक्ट हैं, हमको कैसे सजाना है हमारे घर को हमारी बात है, अड़ोस पड़ोस में और बगले झांकने की आवश्यकता नहीं है हमारे सुख दुख के लिए। ऐसा पति मिला, वैसा पत्नी मिली, वैसी बहन मिली, ऐसे भाई मिले, अभी ये छूट जाए तो हमारा काम हो। तुम्हारी तो बहुत अच्छी हालत अच्छी है प्यारे, हमारे गोपाल दास जी की हालत कैसी थी? पत्नी ही देखना है तो उनकी भी देखी जाए, बड़े प्रवचन में। आज तो कोई देखने में नहीं है ऐसा विद्वान, बड़े प्रवचन में चल रूठ कर पत्नी तो जा सकती है मायके, पति कहा जा सकता है बेचारा, उसका कौन सा ठिकाना है? चल बीच प्रवचन में छोड़ के निकल जाते थे, और समाज पलक पावड़े भी चाहती थी, सुनते हैं जहां उतरे हैं, जहां पर गाड़ी आती जाती होगी मान के चलो, रेल जहां पर उतरे हैं वहां से लेकर धर्मशाला तक, मंदिर तक पूरी मैटिंग की व्यवस्था की जाती थी, राजा महाराजा जैसा ठाट था इनका। समाज तो इतने पूछती थी इस कल्प वृक्ष को, और घर में तो यह हालत है, तो ऐसा एक बार भी नहीं बोले हो, समझ ली? और ऐसा भी ये ऐसे है, तुम ससुर देखना है तो उनके भी देख लो, तुम्हें आप प्रथमानी ज्यादा घुमाने की आवश्यकता नहीं है, गज कुमार को भी देख लो, और क्या बोलना चाहते तुम बोलो बोलो। भाई देखना है तो उनका भी भाई देख लो एक बार, बोलो बोलो जल्दी प्रथमानी फटाफट, लक्ष्मण का कैसे उदाहरण जमेगा, बाहुबली का भी कैसे जमेगा, कमट क्यों भूल गए? तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारा कौन सा पत्थर पटक रहा है यहां पर? तुम्हें पूरे अवसर है, पर अच्छे से तुम काम करो, तुम एक रिश्ता दिखाओ और तुम फेल हो जाओगे, तुम तो बहुत अच्छे हो। दरअसल तुमको आदत शिकायतों की लगी है, और शिकायत करने वालों को कोई सुनना ही बर्दाश्त नहीं करता। आगे बढ़ो, युक्ति का आलंबन, युक्ति से पहली युक्ति खत्म हुई, क्योंकि ऐसा होने में तो स्वभाव ही ऐसा हो जाएगा, और स्वभाव ही ऐसा हो जाएगा तो निवारण उसका कौन करेगा? यदि स्वभाव ही ऐसा हो तो निवारण कौन करेगा? जीव कभी भी वितरागी नहीं हो सकता होता। थर्ड, कल्पना भी करते हैं हम, ब्रह्म कुमारी आदि आसपास उठा कर देखो, हम लोगों ने पढ़ा तो नहीं है लेकिन लोग मिलते तो पता चलता है, वो बस मान्यता ही है, पर्टिकुलर काल मुक्त होते फिर संसार में डाला जाता है, फिर अगेन सर्कल अगेन सर्कल अगेन सर्कल। अरे अरे, आदमी को ये पता चले कमाई हुई पूंजी हमारे काम में नहीं आएगी तब कोई कमाएगा भी नहीं, हमारी बैंक की प्रॉपर्टी तुम 20 साल के बाद फिर लोगे, फिर गरीबों में बांट दोगे, कौन काम करने को बैठा है? मैं ही भोगूंगा, इस आशा से ही तो हम कर रहे हैं सब, जो करेगा सो भोगेगा, रीति नीति है। दूसरी युक्ति, और ऐसा होने लग जाए तो सिद्धों को भी नीचे आना पड़ेगा। बिना द्रव्य कर्म के उदय से यदि भाव कर्म होने लग जाए अकारण ही, तब तो फिर सिद्धों को भी सिद्ध ही खतरे में पड़े हैं, तुम्हारी हमारी की क्या बात है? तीसरी बात, युक्ति का आलंबन, आगम का सेवन, युक्ति का आलंबन। तीसरी बात, केवल ज्ञान भी ऐसे ही जानते हैं, परापर गुरु का उपदेश। तीसरा प्रमाण, केवल ज्ञान प्रमाण, समझ रहे हैं आप? थोड़ा तरकीब से सोचना पड़ेगा, आगम प्रमाण अलग चीज है, केवल ज्ञान प्रमाण अलग चीज है, वैसे दोनों
बहुत नजदीक है और केवल ज्ञान कोई ऐसा सर्वज्ञ है, सर्वज्ञता की सिद्धि हम कर चुके हैं। कौन कहता है सर्वज्ञ नहीं है वो सामने आओ, कौन कहता है सर्वज्ञ नहीं है वो सामने आओ, उसी के गले में हम माला डाल देंगे। काहे की तुम ही सर्वज्ञ हो नहीं साहब, जितना हम जानते जितना, निकल जाओ यहां से, निकल जाओ, यू आर लिमिटेड पर्सन, तुम बहुत लिमिटेशन है तुम्हारे जानने वाले के, तुम कैसे कह सकते हो। दावा तो वो करे, दूसरा सर्वज्ञ यदि दावा करे कि साहब कोई नहीं जानता, तब तो फिर माने, वो सो वचन बाधित दोष तो वैसे ही हो जाएगा उसमें, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना है। तर्क से काट कर दिखाओ, हमने इतने सारे हेतु दिए तुमको, दूषित किया तुम्हारे कथन को, तुम एक हेतु तो देकर दिखाओ ना, बस नहीं साहब नहीं साहब, ये क्या लगा रखा है तुमने। थर्ड, केवल ज्ञान प्रमाण। फोर्थ, अनुभव से भी ऐसा ही ख्याल में आता है कि कर्म और जीव कोई एक वस्तु कैसे हो सकती है, जीव जुदा, पुद्गल जुदा, दो वस्तु है, उनकी स्वतंत्र सत्ता है, कितने काल साथ रहे उसकी बात नहीं है, कितने जन फॉलो कर रहे हैं। आइए थोड़ा कुछ पढ़ते हैं, कल के ही बात कुछ पढ़ते हैं, फिर से थोड़ा कुछ पुष्ट करेंगे, फिर जो अस्पष्टीकरण हो उसको भी पढ़ लेंगे। आप पेज नंबर 22 पर होंगे, सभी 22 पर हो, हाँ आइए। इस प्रकार, सॉरी ऊपर से चलते और थोड़ा, तथा यदि अनादि में भी, सेंटर के थोड़ा नीचे, जल्दी जुड़ जाओ, अंश यहां काय के लिए देख रहे, तथा यदि अनादि में भी, मिल रहा है सबको, तथा यदि अनादि में भी निमित्त माने तो अनादिपना रहता नहीं। ये बार बार क्यों पूछता है, कुछ तो भी किया होगा, तो उसके बिना कैसे जड़ में आएगा। बात आने की नहीं चल रही है, बात बने रहने की है। आना तो आए कहां, आना तो उसको कहते जो बाहर से अंदर आए, उसको तो अपराध करना जरूरी है, लेकिन पैदा होने के लिए जरूरी नहीं। अनुवंशिक भी रोग हुआ करते हैं, इसीलिए कर्म का बंध अनादि मानना। सो तत्व प्रदीपिका प्रवचन सार शास्त्र की व्याख्या में जो सामान्य के अधिकार वह कहा है, जाते जाते कल तो बहुत समझाया था मैंने इसको, फिगरेटिव कंप्लीट करना रह गया था, मैं कंप्लीट करा रहा हूं। कहा है कि वह रागाधिक का कारण तो द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म का कारण रागाधिक है, तब वह तर्क किया है कि ऐसे जो इतर इतर आश्रय दोष लगता है, वह उसके आश्रित, वह उसके आश्रित, कहीं रुकाव नहीं है, तब उत्तर ऐसा दिया है, इस प्रकार अर्थ, इस प्रकार इतर इतर आश्रय दोष नहीं है, क्योंकि अनादि का स्वयं सिद्ध द्रव्य कर्म का संबंध है, उसका वह कारणपने से ग्रहण किया है। स्वयं सिद्ध अकारण कैसे है अनादि से बंध, स्वयं सिद्ध होने से। कल मैं फिगरेटिव समझा रहा था आपको, शंकाकार के शंका है, दो पॉइंट्स बनाए थे डार्क पॉइंट्स, एक को द्रव्य कर्म और एक को भाव कर्म, और ऐसा सर्कल टाइप एरोस किए थे, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, ये उसका प्रश्न है। उत्तर में पंडित जी साहब ने कहा था फिगरेटिव भाषा, ना तुम कुछ बोलेंगे ना हम कुछ बोलेंगे, ऐसे भी होती अपने आप जानते हो, विद्युत तमा और कालिदास में ऐसी तो हुई थी डिबेट, याद आ रहा है, हमने कहा एक, अरे तुम कुछ नहीं जानते, फिर बहुत समय लगेगा मुझे। कालिदास निरी मूर्ख आदमी था और उसी शाखा को तोड़ रहा था जिस पर बैठा है, और विद्युत तमा अपने घमंड के पहाड़ पर बैठी थी और कह रही थी कोई संस्कृत का टक्कर का कोई विद्वान हो उसी से मैं शादी करूंगी, और जेल में डाल दिए थे सैकड़ों विद्वान, और उनकी तारीख भी तय हो गई थी, इनको फांसी पर कब लटकाया जाए, अरे हारने तुम आए कैसे हमारे सामने लड़ने के लिए, जब औकात नहीं थी, तो सबने मिलकर प्लान बनाए सबसे मूर्ख इसके सामने लाया जाए, तो कालिदास को लाया गया। कालिदास का लाइफ बनने वाला है, अभी लाइफ बनने के लिए कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, कर्मोदय की विचित्रता होती है, कभी कभी नहीं बोलना भी, अब उसको कहा समझ में आता, तो उसको तो इतना ही बताया गया कि तुम्हें बोलना नहीं है कुछ, तो मौन रहा, तो रानी ने वहां से ऐसा किया, वहां पर उस कालिदास ने ऐसा किया, समझ रहे हैं,
कालिदास को तो ये लगा ये बोल्डर में तुम्हें एक थप्पड़ दूंगी, उसको लगा मैं तुम्हें दो थप्पड़ दूंगी, टिट फॉर टैट, शतम प्रतिशाट्य, ऐसे ही है हम। लेकिन फिर कह रहे ये क्या बोल रहा है, कह रहे मौन भाषा है, बड़े लोग कम बोलते हैं, कम बोलते हैं। तो बाकी के विद्वानों ने बोला आप बोल रहे थे एक ब्रह्म है, ये बोल रहे नहीं एक ब्रह्म और दूसरे उसकी होती है माया, अब भूल गए हाँ हार गए हार गए। फिगरेटिव फिगरेटिव भाषा समझे आप, उसने फिगरेटिव बनाया, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म। पंडित जी साहब कह रहे हैं ऐसा नहीं, फिगरेटिव ही समझा रहे, इसको एक अनादि प्रवाह क्रम दिखाओ, वन आफ्टर द अदर दिखाओ, सो मेनी पॉइंट शुड बी लोकेटेड वन आफ्टर द अदर, क्योंकि वो द्रव्य कर्म वह नहीं है जिसके उदय से ये बंदा है, ये दोनों अलग अलग है, पुरुषार्थ का अवसर यही तो पैदा करेगा। दो भाव कर्म न्यारे, दो द्रव्य कर्म न्यारे, वो वही नहीं है, वही नहीं है, ऐसी चक्री चलती चलती फिर तो तुमको घूमना ही पड़ता। कर्म विचार कौन भूल मेरी अधिकाई, दोषारोपण को कहा अवसर प्रकृति, समझ रहे हैं? हर दफे हमारे हाथ में है। और सुनो जब भी एंड होगा समझदार को ही एंड करना पड़ेगा, लोक में भी ऐसा होता है, इन्होंने इसको चाटा मारा, इन्होंने इसको, इन्होंने इसको, इन्होंने इसको, अभी कब बंद होगा ये हमको क्यों पूछते हो, तुम तय करोगे इसको, क्या कहा सब ये कब बंद होगा, ये और लोग पूछते तो चलता, तुम क्यों पूछते हो हमको कब बंद होगा, ये तो तुम्हारे हाथ की बात है, नहीं सब ये क्यों क्यों मार रहे हैं, फिर ये क्यों नहीं बंद हो रहा है। हम ये कह रहे तुम श्रृंखला के बंद करने की बात करते हो तो इसने इसलिए मारा है क्योंकि तुमने पहले मारा था, अब तुम ये काम कर सकते हो, तुम नया हाथ मत उठाओ। तो क्या हो, एक हद तो चाटा गलती से पड़ेगा ये सोचकर उसको पता नहीं था कि तुम ऐसी भी समझदारी कर सकते हो, तुम्हें किसी ने आकर डोज दिया है, तत्व ज्ञान को उपदेश दिया है, उसको कहां पता था। तो कर्म थोड़ी बहुत अपना अपना असर करेंगे फिर पैर पड़कर चले जाएंगे, पैर पड़कर समझ में आता है, जिन कर्मों ने इतना इतना छकाया, नरकों में निगोद में चाहे जहां पटकते रहे, वो कर्म ऐसा सरेंडर होगा, सर्वोत्कृष्ट प्रॉपर्टी भी है उसके पास, ले लो साहब अभी अच्छी अच्छी चीजें ले लो, आपको कुछ नहीं चाहिए, हमारा झगड़ा नहीं पड़ गया, वैसे आप थोड़े ही दिन के मेहमान हो। और विदाई के काल में कौन पुराने प्रसंगों को याद करता है, लो साहब तीर्थंकर प्रकृति आपको ले लो, ये चक्रवर्ती पद आपको ले लो, लो साहब अरे नहीं चाहिए, अरे ले लो ले लो। फेयरवेल सेरेमनी में ये थोड़ी याद किया जाता है, हमारे कैसे टाइम बीता, तो किसने किसको क्या गाली दी थी, ये तो सब भूलने के अवसर है। अब समझ रहे मेरी बात को, द्रव्य कर्म सर एक एक ये हो गया सॉल्यूशन। पंडित जी साहब कह रहे हैं फ्लो, तुमको अनादि प्रवाह दिखाना है, अनादि प्रवाह, ये साइकिल नहीं है, चक्र नहीं है। सेकंड क्वेश्चन उसका ये है, इतर इतर आश्रय दोष का निराकरण पहले में हो गया, दूसरा हमने किया था अनावस्था दोष तो आ ही जाएगा कि द्रव्य इस द्रव्य कर्म का कर्म उस भाव कर्म, ये भाव कर्म का द्रव्य कर्म, तो कहां तक बढ़े। तो आपको फिगर में भी लाया था मैंने, उसका उत्तर फिगरेटिव नहीं था, किसी ने सोचा है फिगरेटिव क्या उत्तर होगा उसका, फिगरेटिव प्रश्न तक कितने जन आए हैं, हाथ ऊपर करिए जरा, कल तो यहां तक आए थे, दिखाओ नोटबुक तुम्हारे, बस 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 ओके ओके, आप सबके पास रॉ मटेरियल रेडी चाहिए सब, उत्तर क्या करेंगे कोई बताएगा लॉजिकली, शाबाश शाबाश फॉर डे, आई एम नॉट श्योर, ना तुम श्योर होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलो आप बोलेंगे, बोलो बोलो। थैंक यू, कल आपने फिगर वाला क्वेश्चन दिया था उसमें थोड़ा अपन डॉट बना देंगे, एरोस बना देंगे क्या, और उसके बाद डॉट डॉट लगा देंगे, माने फिक्स नहीं है कितने हैं, शाबाश यही उत्तर होगा आपका। तो ये करके हमको जाना थोड़ी ऐसा, तो नोटबुक भर जाएगी सब, नहीं भरानी है, 10 किलोमीटर नापने के लिए आर्किटेक्चर का प्लान देखा होगा, 10 किलोमीटर का थोड़ी ना कागज मांगता है वो थोड़ा खींच लेता है, थोड़ा ब्रेक करके ऐसी लाइन, जैसे वोल्टेज की लाइन होती है ना, डबल ब्रेकअप वो दिखाता है, फिर कंटिन्यूटी ऐसा डॉट 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 करके एक इंफिनिटी का फिगर लगा देंगे, अनादि ही है, तुम कहां पहले, तुम तो एंडलेस है, तुम पकड़ ही नहीं सकोगे किसी को, इसलिए अनावस्था दोष का भी निराकरण हो गया। आइए सेकंड पेज पर जल्दी, ऐसा आगम में कहा है, प्रमाण एक तथा युक्ति से भी ऐसा ही संभव है, बोलो प्रमाण दो, मैंने और प्रमाण दिए थे, यहां पर तो नहीं दे रहे पंडित जी साहब, आगे देंगे थोड़ा सा, शायद हो सकता है अभी। कर्म के निमित्त बिना पहले जीव को रागादि कहे जाए
युक्ति दे रहे, अगम आधार पंडित जी साहब ने स्वयं ने नहीं दिया, अगम आधार ये मैंने मेरी तरफ से दिया था, पंडित जी साहब इतना ही कह रहे थे, अगम में लिखा है ऐसा, और लिखा क्या है, एक आधार तो दे ही रहे थे प्रवचन सार का। आगे, पहले जीव को रागाधिक कहे जाए तो जीव रागाधिक जीव का एक स्वभाव हो जाए। मैंने और दूसरी भी आपत्ति पेश की थी उस सिद्धों की, क्योंकि पर निमित्त के बिना हो उसी का नाम स्वभाव है, इसलिए कर्म का संबंध अनादि ही मानना। क्यों हुआ, हम क्यों पैदा हुए, और कब, क्यों हमको ये चतुर्गति में रुल रहे, पहला शरीर क्यों मिला? बाबा पहला होता तो हम भी तुम्हें उत्तर देते, पहला है नहीं ना, पहला होता तो बोलते हम, पहला कहा है ये सब, हम बोल नहीं सकते, बस वो है कुछ, लेकिन क्या कर, तुम बोल नहीं सकते, हमसे कैसे बोलवा रहे तुम, जब तुम नहीं प्रश्न समझ रहे, हम कैसे उत्तर बताकर समझाए, तुम भी समझ जाओ हम भी समझ जाते हैं। देखो यह फिर प्रश्न है कि न्यारे न्यारे द्रव्य और अनादि से उसका संबंध ऐसे कैसे संभव है। समाधान जो मैंने प्रारंभ किया था इंट्रोडक्शन में, सोने का उदाहरण दिया था, फसल का उदाहरण पानी का मेरी तरफ से था, वो पानी का इसलिए उदाहरण मेरी तरफ से दिया था क्योंकि अंतर मुहूर्त में कथक फल के माध्यम से शुद्ध पानी इसी में से बाहर निकलेगा, उसी प्रकार एक अंतर मुहूर्त ही तो चाहिए, अशुद्ध जीव से शुद्ध जीव का फासला तय करने के लिए जीव थोड़ी बदलेगा, पर्याय बदलेगी, इस न्याय से जीव बदलेगा कहो तो कोई आपत्ति नहीं, द्रव्यार्थिक न्याय से वही जीव था, वही अशुद्ध वही शुद्ध बन गया, नहीं तो महावीर जयंती के दिन फिर मारिच को क्यों याद किया जाता, कितने जन फॉलो कर रहे, सर्वथा दो भिन्न टुकड़े थोड़ी, मारिच की पर्याय गई, नई पर्याय नई सुबह जागृत हुई, रोज की रात जाती है नई सुबह आती है। चलो देखो, जैसे मूल ही से जल दूध का, सोना की टिक्का, तुष कण का तथा तेल तिल का संबंध देखा जाता है, इनको कोई ऐसी पैकेजिंग कंपनी नहीं है कोई ऐसी, कौन सी साहब, एक चावल होते निकलते होंगे और उसको छिलके में पैक कर करके भेजते होंगे, अरे पैसा निकलता, पैसा लगता है हटाने को, वो काय के लिए कोई करेगा, लेकिन वो वस्तुएं वैसी ही है, जैसे ये वस्तुएं वैसी है वैसे भी, वैसे जीव भी वैसा ही अनादि से कर्म से बद्ध, नवीन इनका मिलाप नहीं हुआ है, वैसे ही अनादि से जीव कर्म का संबंध जानना, नवीन इनका मिलाप नहीं हुआ है, फिर तुमने कहा कैसे संभव है, अनादि से जिस प्रकार कई भिन्न द्रव्य है वैसे ही कई मिले द्रव्य है, इस प्रकार संभव होने से कुछ विरोध तो भाषित नहीं होता। थोड़ा आगे बढ़ूंगा, ये पैराग्राफ भी पूरा करना है, एक प्रश्न उत्पन्न किया उसने कि आप संयोग संबंध कहते हो किसको, जीव को और कर्म को, लेकिन संयोग संबंध तो उसको कहते हैं कि दो वस्तुएं अलग थी फिर जुड़ गए, क्या समाधान है इसका? पहली बात तो यह है, कहते हैं मतलब कौन कहता है, कौन कहता है, हम तो नहीं कहते ना ऐसा, तुमने और कहीं से सुना है अथवा तुमने ऐसा प्री इमेजिनेशन किया, हम क्या करें इसको, संयोग का ऐसा अर्थ नहीं है कि should come together, being together is also a संयोग, क्या कहा? देखो संयोग दो प्रकार के, मैं बहुत सिंपली आपको बताता हूं, इसका भी ग्राफ बनेगा प्रॉपर, कैसे बनेगा, पिता और पुत्र इनका संयोग नेचुरल ही है, मानना ही पड़ेगा, है ना, संयोग है इनका, ऐसा होने पर भी, सॉरी मैं उदाहरण हटाकर पिता पुत्री का कर रहा हूं, उसमें कुछ हेतु है, अथवा नालायक पुत्र का कर दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पुत्र सॉरी अतः समझदार बाप का भी ले सकते हैं, नालायक पुत्र को नालायक बनाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ समझ रहे बात, अपने को अपना तो देखना ही पड़ेगा ना, तुम्हारे साथ हम कब तक फंसते रहेंगे, हमको भी दीक्षा वीक्षा का हमें भी देखना ही पड़ेगा ना, घर से निकलना तो पड़ेगा ही ना हमको, तुम्हारा नालायक होना जरूरी थोड़ी है, हमारा लायक होना जरूरी है ज्यादा। देखिए बच्चा और पिता, अभी बच्चे का ही उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं हम, ये बेहतर बात है, बच्चा और बेटा एक साथ चले, एक लाइन दिखाना है आपको, बट अगेन यही एक लाइन बाइफरकेशन हो गया इसका, एक एक तरफ एक एक तरफ, ऐसा होता है कि नहीं होता है, संयोग थे बाद में अलग हुए, एक मैं दूसरा प्रकार का संयोग दिखाता हूं अभी आपको, सेकंड फिगर आप बनाएंगे बिल्कुल उल्टी, एक अजनबी लड़की को, ठीक है, जिसको हम ही एक रोड पर जा रहे थे, आगे पीछे थे, और कभी उसको रोड पर किसी ने पकड़ लिया और कहा साहब 10 रुपए के बिना तो हम नहीं छोड़ेंगे आपको,
200 रुपए के बिना नहीं छोड़ेंगे, मतलब आपको कुछ हमको लाइसेंस वाइसेंस देखो तो हम छोड़ देंगे। अब वो यहाँ वहाँ देख रही है, हमने 10 रुपए तक नहीं दिए उसको। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हैं? जिसको तुमने 10 रुपए नहीं दिए उसको कभी तुम चाबी सौंप सकते हो तिजोरी की? विधान ये तुम्हारा लड़का तय करेगा। वैसे तुम्हारा लड़का कैसे तय करेगा? तुम्हारे लड़के ने उसी को ब्याह कर घर पर लाए, तुम क्या करोगे? समझे? ये फिगर ऐसा बनेगा, दोनों अलग थे लेकिन बाद में संयोग हो गए ना। संयोग संबंध के लिए जरूरी नहीं है अंत तक बना रहे, संयोग संबंध के लिए उसी प्रकार ये भी तो जरूरी नहीं है। क्या क्या कि पहले से ही साथ साथ चले? अलग बाद में हो सकते हैं, अलग पहले हो सकते हैं। पकड़ में आता है? संयोग मतलब बस साथ साथ होना। कहते हमने हमने ये सुना है, तुमने कहां सुना है बताओ ना हमको। और तुमने सुना है तो फिर इसको भी सुन लेना फिर, और फिर सोचो सोचो ना तुम फिर तुमको क्या ठीक लग रहा है। कह रहे संयोग तो उसको कहते हैं कि कर्म और जीव अलग था फिर बाद में जुड़ गए। सुनो तुम्हारा ध्यान नहीं, तुम्हारा ध्यान नहीं। संयोग तो उसको कहते हैं, पंडित जी साहब कहते हैं जुदे थे सो जुदे हुए, ये अलग अलग होते देखकर हमको पता चला कि पहले भी ये अलग अलग ही थे। पहले दरअसल हमको तो भ्रम हुआ था एक बने का, पहले एक थे बाद में अलग हुए ऐसा नहीं। दुनिया को पूछो, अ ग्लास ऑफ वाटर इज इन फ्रंट ऑफ यू, विधान कितनी चीजें हैं यहाँ पर तुम्हारे सामने? ग्लास और पानी, बस यही तो फंस गए तुम। मैंने तो जाल बिछाया था तुम्हारे लिए, ग्लास और पानी तुम दो कह रहे, फिर मैं कहूंगा ग्लास को हटाओ। अभी कितनी वस्तुएं हैं? पानी दिखता एक वस्तु है लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से जब तुम अलग कलर कर दिया उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वो एक चीज थोड़ी है, वो तो ऑलरेडी दो चीज है। दुनिया में उसका इतना व्यवहार इतना प्रचलन हो गया, हम क्या करें बाबा, हम क्या करें उस प्रचलन का। लेकिन यहां पर केमिस्ट्री ये कहती है ये ऑलरेडी दो वस्तुएं हैं, तुम्हारा नमक एक वस्तु नहीं है दो वस्तु है, सोडियम भी है क्लोरीन भी है। हालांकि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नमक व्हिच इज मैन मेड, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, वो तो केमिकलों की बात कर रहा हूं जो खदान में से निकले हुए वो सेंधा का जो पत्थर है, मैं उसकी तो बात करेंगे। कहा तो कहा हम देखे। फिर प्रश्न है संबंध अथवा संयोग कहना तो तब संभव है जब पहले भिन्न हो और फिर मिले, यह अनादि से मिले जीव कर्मों का संबंध कैसे कहा? समाधान, अनादि से तो मिले थे, अनादि से तो मिले थे परंतु बाद में भिन्न हुए, तब जाना कि भिन्न थे तो भिन्न हुए। मैंने इसलिए अभी दोपहर में कुमार से बात कह रहा था, प्रज्ञा और विवेक उसको नहीं कहते हैं जिसमें एक वस्तु के दो टुकड़े करके दिखा, क्योंकि एक वस्तु के दो टुकड़े करके दिखाई ये क्या बात है? अरे जो ऑलरेडी दो है और दिखते दुनिया को एक है उसको दो के दो देखे तब तो फिर विवेक संज्ञा सार्थक होगी। समझ में आया? दुनिया उसको देखती एक है, तुमने आज देखे दो है उसको। कपड़े का उदाहरण मैंने कई दफे दिया होगा, मैं पहली बार जब कपड़ा उसको दो टुकड़े करने थे उसके, लोग कहते हैं बुढ़ापा काट रहे हैं, थोड़ी महत्वपूर्ण बात बीच में शिक्षा सबको, लोग कहते हैं बुढ़ापा काट रहे हैं, हम कहते कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, हमारे यहां तो लौकी भी नहीं काटी जाती, हमारे यहां लौकी को भी सुधारा जाता है, तो अच्छी भाषा क्यों नहीं बोलता? बोलो अच्छी भाषा बोलो, बुढ़ापा सुधारने की बात क्यों नहीं करता? हमारे यहां काटने फाटने का कोई रिवाज नहीं है, सुधारने का रिवाज है। तुम्हारा काम शोधना है क्या? शोधन प्रक्रिया करनी है क्या तुम्हारी? बुढ़ापा बुढ़ापा सुधारो, बुढ़ापा काटो मत। विवश होकर रोना ये कोई आपकी मजबूरी नहीं है भाई, पुरुषार्थ को जागृत करो। इस प्रकार अनुमान से देखिए भिन्न थे। हाँ मैं कपड़े का उदाहरण दे रहा था, कपड़ा आपको दिखता है कितनी चीज दिखती है? एक। पहली बार मैं सीजर्स उस पर चला रहा था तो जैसे ही चले अचानक आए और उन्होंने कहा
अरे इसके लिए कैची की क्या आवश्यकता, और बिगड़ता है मार्ग बिगड़ता है, उसको एक दे दो कोने में, फिर एक काम करो दो हाथ लो, फिर चलाते जाओ कपड़ा कितना भी हो बिल्कुल सीधा, ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि वे पहले ही अलग थे, ताना अलग बाना अलग, वे अलग अलग बनकर ही तो जुड़े है, वे थोड़ी ना कोई एक है जो सीधे नहीं होने थे, और कैची से बना के देखना हो ही नहीं सकेगा क्योंकि नेचुरल चीज है। लेकिन वो एक ऐसा केस है जहां पर दो अलग अलग किए गए थे, ताने और बाने, विशिष्ट मेशिंग था उसका। यहां पर भी ऐसा मेशिंग है अनादि से कि हमको लगता ही नहीं है दो चीजें। अब समझ रहे हैं, भोजन यहां पर पेट में जाना, यहां पर सुख की अनुभूति होना, सुख की अनुभूति मतलब दुख की कमी। अब मैं ज्यादा नहीं इसमें बोलना चाहता, यह दोनों कार्य एक साथ संपन्न हुए, ब्रह्म का अवसर तैयार। लेकिन आपको ऐसे कुछ अवसर आपको स्वयं को खड़े करने हैं, जब यह व्याप्ति टूटे, जहां जहां भोजन वहां वहां सुख, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, जहां भोजन का अभाव वहां दुख, ऐसा भी नहीं, इतना भोजन उतना सुख, ऐसा भी नहीं। समझ में आता, हमारी इच्छा तय करती है। समझ में आता है, दवा लेना उसी को अच्छा लगता है जिसको रोग है, जिसको रोग नहीं है उसकी क्या बात करता है। इच्छा रूपी रोग होना जरूरी है, ये सब सुख के सामग्री होने के लिए आपका रोगी होना जरूरी है, तो आपको खूब खूब सुख सामग्री मिलेगी, हाँ मिलेगी, आप रोग बनाए रहो तो मिलेगी, सब मिलेगी, सब मिलेगी। और जो रोग रखते ही नहीं है उनको मिलने की क्या बात है, इससे उनका बंधन होने पर भी भिन्नपना पाया जाता है, तथा उस भिन्नता की अपेक्षा उनका संबंध अथवा सहयोग कहा है, क्योंकि नए मिले या मिले ही हो भिन्न द्रव्यों के मिलाप में ऐसे ही कहना संभव है। इस प्रकार इन जीव कर्म का अनादि संबंध है। डायग्नोसिस चक्र, डायग्नोसिस हाउ व्हाट एंड हाउ, क्या हुआ कर्म बंधन का रोग, दो बाइफर्केशन की, अनादि नया, फिर कैसे, कैसे में इसका क्या कारण क्या है। सवाल ये नहीं है कि कैसा हुआ, अनादि कैसा गया, सवाल ये है भविष्य तुम्हें वैसा ही जीना है क्या जैसा भूत जिए हो, यदि नहीं तो उठ जाओ, फिर स्वयं को आत्मा जानो, और तो कोई दूसरी पद्धति नहीं, पर से भिन्न अपने से अभिन्न देखना, यही मुक्ति का उपाय है। ओम।